नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ वर्स हैदराबाद के बीच में जो आईपीएल का नवा मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है और उस पिच पे होने वाला क्या है, कौन से प्लेयर्स इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आपको गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है, और कौन से ऐसे प्लेयर जिनको आपको आराम से ड्रॉप कर देना है, और क्या मेरी टीम रहने वाली है, सब कुछ भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए दो गिव अवेज रखे हैं। पहला गिव अवे, अभी तक मैं बेस्ट कमेंट का गिव अवे करवा रहा था, लेकिन अब से भाइयों मैं गिव अवे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। गिव अवे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे एक प्लेयर के ऊपर, अगर आप उसका आंसर सबसे पहले सही देते हो तो इस वीडियो में तीन मेंबर्स को 33,333 तो मान के चलो कि 1,00,000 रुपये में 1 रुपया कम, 99,999 रुपये का गिव अवे है इस वीडियो में। जो तीन मेंबर सबसे पहले सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 33,333। ठीक है भाइयों, तो गिव अवे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे आगे पूछूंगा वीडियो में। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि वीडियो में जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसी टाइम पे आपको आंसर देना है। पता चल रहा है कि आपने स्किप कर दी, फॉरवर्ड कर दी, गिव अवे क्वेश्चन का आंसर देके चले गए, ये नहीं माना जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है और आपने आंसर दे दिया है, आपका आंसर सही भी है तो भी आपको नहीं मिलेगा फिर। तो पूरी वीडियो देखना, जहाँ पे गिव अवे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आंसर देना। ठीक है भाइयों, तो गिव अवे क्वेश्चन का रूल मैंने आपको समझा दिया। दो तीन और है टर्म एंड कंडीशन, वो भी मैं आपको जब क्वेश्चन पूछूंगा तब बताऊंगा। बाकी भाइयों, एक गिव अवे और है इस वीडियो में, वो गिव अवे क्या है फिर गिव अवे मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इस मैच की मैं आपको पिच रिपोर्ट बताता हूँ। तो भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में मैच खेला जाएगा, और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाइयों स्पिनर्स को बड़ा ही गजब का टर्न मिलता है और स्पिनर्स यहाँ पे विकेट लेके जाते हैं। हाल ही में अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक T20I मैच हुआ था यहाँ पे, और भाइयों स्पिनर्स का पूरा मैच रहा था, फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं दी गई थी। और जब लास्ट मैच यहाँ पे हुआ IPL का, उसमें भी स्पिनर्स ने विकेट चटकाए। और इस मैच में चार स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनको आपको गलती से भी नहीं ड्रॉप करना है। वो स्पिनर कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दो फास्ट बॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाइयों, जिनको आपको गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है। वो दो फास्ट बॉलर कौन से हैं वो मैं आपको जब अपनी टीम बनाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी भाइयों, यहाँ पे टॉस जो भी जीतता है, कुछ भी कर लो, बैटिंग कर लो, फील्डिंग कर लो, दोनों ही यहाँ पे होता है। रन चेस भी होता है, रन डिपेंड भी होता है। और भाइयों, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, रन चेस भी होता है, रन डिपेंड भी होता है, तो टॉस मैटर नहीं करेगा, कुछ भी कर सकती है टीम, कोई भी टीम जीत सकती है। सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर नहीं आने वाला है। लास्ट मैच भी जब हुआ था तो सेकंड इनिंग जीत गई थी, मार्क वुड ने जिता दिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी टीम जीत सकती है। बाकी हाँ, मैं आपको जो प्लेयर बता रहा हूँ आप उनको ले लो, आपका बढ़िया काम हो जाएगा भाई। पिच रिपोर्ट तो आपको समझ में आई गई है, पिच रिपोर्ट समझ में आ गई, लेकिन पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीम क्या रहने वाली है वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। उससे पहले अब आपको मैं जो दूसरा वाला सरप्राइज गिव अवे है वो ओपन करके बता देता हूँ। तो ओपन करके ही मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हो आप भाइयों, लखनऊ वर्स हैदराबाद के मैच में 50,000 रुपये का गिव अवे विज़न 11 पर लाइव हो चुका है। अगर आपके पास में विज़न 11 नहीं है तो सबसे पहले आप विज़न 11 को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ठीक है भाइयों, विज़न 11 पे ऐसे गिव अवेज पर डे होते रहते हैं। ये तो खैर 50,000 का है, 1,00,000, 2,00,000 का गिव अवे करवाता है विज़न 11। साथ ही में भाइयों, अब मैं विज़न 11 पे ही खेलता हूँ क्योंकि मुझे विज़न 11 की ये बात बहुत पसंद आई कि सारी ऐप ने वही पुराना वाला फीचर स्टार्ट कर दिया। दुनिया भर के ऑलराउंडर ले लो, दुनिया भर के गेंदबाज ले लो, दुनिया भर के विकेट कीपर ले लो, तो वो उस फीचर में क्या है भाइयों, कॉम्पिटिशन हार्ड हो गया। लेकिन विज़न 11 पे अभी भी वही पुराना वाला फीचर है और मुझे नहीं लगता कि विज़न 11 कुछ चेंज करने वाला है। और भाइयों, इसी को लेके मैंने विज़न 11 पे खेलना वापस स्टार्ट कर दिया है। और भाइयों, बैक टू बैक हर मैच में क्लीन स्वीप हो रहा है, तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं तो अब विज़न 11 पे खेलता हूँ। मैं बोलूँगा आपसे कि भाइयों आप भी विज़न 11 पे खेलो। बात कर लेते हैं अब
आपकी और क्या है विजन 11 पे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या क्या है विजन 11 पे। 50 लाख रुपए की मेगा जीएल आई हुई है और मेगा जीएल बैक टू बैक भर्ती जाती आती जाती। और भाइयों मेगा जीएल यहाँ पे जीतना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कम ही स्पोर्ट्स के कॉन्टेस्ट में 10-10 लाख 20-20 लाख फर्स्ट प्राइज मिलता है। और यहाँ पे भाइयों अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप भी हो रहा है, आपके सीवीसी परफेक्ट है, 9 प्लेयर आपके पास में परफेक्ट है, जीएल जीत जाओगे भाई पर डे। इसी मतलब इतना कंपटीशन कम है कि पर डे कोई भी बंदा जीएल जीत जाता है। मेरी मिस हो जाती है भैया, अभी हार्दिक पांड्या की टीम का मैच था दिल्ली के साथ में, भाई मेरी 103 रैंक आई जीएल में, जीएल मिस हो गई। एक प्लेयर अगर मेरे पास साई सुदर्शन होता तो मैं जीत जाता उस मैच में विजन 11 पे। तो भाइयों ग्रैंड लीग खेलने के लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ विजन 11 की। विजन 11 पे भाइयों एंट्री फीस बहुत ही कम है। मान के चलो आप अगर स्मॉल लीग खेलते हो, 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट 3,850 का लगाते हो, यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा? 3,499 रुपये का। 2,999 की 4 मेंबर की लीग लगाते हो, यहाँ पे मालूम है कितने की मिलेगी आपको? 2,625 रुपये की। तो भाइयों पैसा भी बचता है। 10 कॉन्टेस्ट आपने लगाए, आपके आधे से कितने, 1 कॉन्टेस्ट का पैसा आ जाएगा आपके पास में बड़े वाले। और 3,850 के कॉन्टेस्ट में तो आपको 351 रुपये बच जाएंगे। तो भाइयों मेरा पैसा भी बचता है, मैं तो अब विजन 11 पे ही खेलता हूँ, पैसा भी बचता है और क्लीन स्वीप भी करना बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। मतलब ऐसे ऐसे ओपोनेंट आते हैं, क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत ही आसानी से क्लीन स्वीप हो जाता है। आप आओ टेलीग्राम पे रिजल्ट देखो विजन 11 के, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपये आपका भाई एक एक मैच में क्लीन स्वीप कर रहा है। तो भाइयों यहाँ पे एंट्री फीस कम है, कॉम्पिटिशन कम है, साथ में डेली फ्री के गिव अवेज आते रहते हैं। तो अगर आपके पास में विजन 11 नहीं है तो डाउनलोड कर लो। एक सेकेंड, अगर आपके पास में विजन 11 नहीं है तो भाई वो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। डाउनलोड करते से ही आपको 500 रुपये का बोनस भी मिलने वाला है मेरी लिंक से डाउनलोड करने पर, ठीक है भाइयों। तो ये हो गई विजन 11 की बात है, दूसरा गिव अवे का भी बता दिया मैंने आपको। अब सीधे चलते हैं टीम बनाने, पहले चलते हैं ड्रीम 11 पे, फिर चलते हैं विजन 11 पे। दो टीम मैं आपको बना के बताने वाला हूँ और गिव अवे का क्वेश्चन भी मैं आपसे वहीं पे पूछने वाला हूँ। गिव अवे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे आगे पूछूंगा। तो पहले ओपन कर लेते हैं ड्रीम 11, फिर उसके बाद में ओपन कर लेंगे विजन 11। तो ड्रीम 11 ओपन कर लेता हूँ भाइयों मैं। टीम मैंने बना के रखी है, आपको बताता हूँ क्या मेरी टीम रहने वाली है। अभी मैं पहले ओपन तो कर लूँ। तो भाई ओपन हो गया, देखो लाइट भी आ गई, मतलब इस मैच में क्लीन स्वीप पक्का है। चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो भाइयों डिकॉक है, पूरन है और यहाँ से ग्लेन फिलिप है। क्लासेन भी आ गया है भाइयों, क्लासेन भी इस मैच में खेल सकता है, लेकिन मुझे लगता है ग्लेन फिलिप ही खेलेगा। लेकिन हाँ, क्लासेन का फॉर्म अभी ज़्यादा ही ज़बरदस्त चल रहा है और ग्लेन फिलिप ने लास्ट मैच में कुछ करा नहीं है, तो रिप्लेसमेंट हो सकती है। बात कर ली जाए पूरन और डिकॉक में से कौन खेलेगा, तो भाइयों कोई भी खेल सकता है। पूरन के आईपीएल में और इंडिया की पिचों पर रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, और लास्ट मैच जब यहाँ पे खेला तो उसमें भी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। और प्लस अगर पूरन खेलता है, डिकॉक नहीं खेलता है, तो पूरन विकेट कीपिंग भी करके देगा भाई। लास्ट मैच में भी मैं लेके आया था सीएसके के खिलाफ, कोई नहीं लाया था, मैं लाया था। और मैंने वीडियो में भी बोला था कि पूरन राहुल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले राहुल विकेट कीपिंग सेक्शन में था, मैंने राहुल को हटा के पूरन को लिया था। तो इस मैच में भी भाइयों अगर देखो डिकॉक खेलेगा तो फिर डिकॉक विकेट कीपिंग भी करेगा, तो मैं डिकॉक के साथ चला जाऊंगा। अगर डिकॉक नहीं खेलेगा तो फिर वापस मैं पूरन के साथ चला जाऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए पूरन के साथ जा रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो फिलिप्स को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर क्लासेन खेलता है तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा लखनऊ का विकेट कीपर रहेगा, मान के चलो कि डिकॉक खेलता है तो ज़्यादा अच्छा डिकॉक रहेगा, ओपनिंग भी करेगा और आईपीएल में चलता है बंदा, मारता है रन। तो अभी हाल फिलहाल के लिए पूरन ले रहा हूँ। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में राहुल है, अग्रवाल है, त्रिपाठी है, अभिषेक शर्मा है, हैरी ब्रूक है, दीपक हुडा है और कौन है, बस यही सब है। बात कर लेते हैं कि मैं किस किस को लेने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ राहुल को। अभी तक मैंने ड्रॉप किया क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में था, बैटिंग सेक्शन में आ गए, तो मैं राहुल को लेने वाला हूँ। और किसको लेने वाला हूँ,
मयंक अग्रवाल को लेने वाला हूँ। और किसको लेने वाला हूँ? तो भाइयों आप चाहो तो यहाँ से त्रिपाठी को ले लो या फिर हुडा को ले लो। मैं लेने वाला हूँ हुडा को। लखनऊ में मैच है, लखनऊ की टीम फेवरेट रहेगी, इसलिए मैं थोड़े लखनऊ के ज़्यादा प्लेयर लूँगा। आप अगर चाहो तो अग्रवाल की जगह पे त्रिपाठी को भी ट्राई कर सकते हो। त्रिपाठी भी बड़ा गजब का बल्लेबाज है। लास्ट मैच में माना कि फ्लॉप हुआ, लेकिन इस मैच में चल सकता है। और हो सकता है कि मैं फाइनल टीम में अग्रवाल की जगह पे त्रिपाठी को ले लूँ, क्योंकि त्रिपाठी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे अग्रवाल से। अभी हाल फिलहाल के लिए अग्रवाल को ले रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया दोनों में से किसी एक को लूँगा। अभी यहाँ से मैं तीन ही बल्लेबाज ले रहा हूँ। अब आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में माकराम है, स्टोइनी से मार्को यानसन भी ज्वाइन कर चुका है, कुणाल पांड्या है, वॉशिंगटन सुंदर है कायल मायर से। भाई इस मैच में कायल मायर्स फ्लॉप होगा। देखना क्यों फ्लॉप होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी भाइयों कृष्णप्पा गौतम है, डेनियल सेम लास्ट मैच सब्स्टिट्यूट खेला था, इस मैच में खेल सकता है। बस यही सब है। बात कर लेते हैं कि मैं किस किस को लेने वाला हूँ। तो भाइयों माकरम आ गया है, सबसे पहले मैं लूँगा माकरम को। माकरम आपको बॉलिंग भी डालता हुआ दिखाई देगा इस मैच में, और भाइयों बल्लेबाजी बड़ी ज़बरदस्त करता है, खासकर आईपीएल में। इंडिया के पिचों पर रिकॉर्ड अच्छे हैं, बॉलिंग भी डालता है, बैटिंग भी करता है। और ये लखनऊ के पीछे स्पिनर्स को टर्न मिलने वाला है। और डिकॉक, पूरन, मायर्स, ये तीन, वैसे तो डिकॉक और मायर्स में से एक को खेलना चाहिए क्योंकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज है। तो मुझे लगता है वापस से मायर्स को मौका दिया जाएगा और पूरन और डिकॉक में से कोई एक खेलेगा। तो भाई लेफ्ट हैंडर्स हैं यहाँ पे लखनऊ की टीम में, प्लस कुणाल पांड्या भी है। तो एडन माकरम के ओवर पूरे चार कन्फर्म है, और प्लस बल्लेबाजी भी टू डाउन करने वाला है इस मैच में, ज़बरदस्त रहने वाला है। माकरम को मैं लेने वाला हूँ। और किसको लेने वाला हूँ? तो भाइयों कुणाल पांड्या को लेने वाला हूँ। कुणाल पांड्या को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है उनमें राइट हैंडर्स की भरमार है, पूरे के पूरे राइट हैंडर्स है। अभिषेक शर्मा को हटा दो तो ठीक है भाइयों, तो इतने सारे राइट हैंडर रहेंगे तो कुणाल पांड्या देखना इस मैच में पूरे चार ओवर गेंदबाजी भी करेगा। और मैं बता रहा हूँ चार ओवर में दो से तीन विकेट भी निकाल के देने वाला है इस मैच में आपको। प्लस बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करता है कुणाल पांड्या, इस मैच में सबसे ज़बरदस्त प्लेयर मुझे लग रहा है। तो कुणाल पांड्या को मैं लेने वाला हूँ। और किसको लेने वाला हूँ? तो भाइयों वॉशिंगटन सुंदर को लेने वाला हूँ। माना कि लास्ट मैच में सीएसके ने गलती करी, वोइन अली को शुरू में बॉलिंग नहीं दी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर हमेशा पावर प्ले में गेंदबाजी करता है लेफ्ट हैंडर्स के सामने। तो देख लेना इस मैच में सुंदर, मायर्स या फिर अगर डिकॉक खेलेगा तो उसका एक लेफ्टी को जरूर उड़ा देगा पावर प्ले में। तो वॉशिंगटन सुंदर को मैं लेने वाला हूँ। और प्लस इस मैच में स्पिनर्स को ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे भाइयों वॉशिंगटन सुंदर ने लास्ट मैच में बड़ी गजब की इनिंग खेली थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, तो ज़बरदस्त रहेगा। वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन 12% है, लेकिन मैं अपनी पूरी 20 टीम में लेने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में सुंदर। तो भाइयों यहाँ से मैं तीन ही ऑलराउंडर लूँगा, मायर्स को मैं ड्रॉप करूँगा फिर से एक और बार। माना कि लास्ट दोनों मैचों में चला है, लेकिन देख लेना इस मैच में कुछ नहीं करेगा। आपके भाई ने बोल दिया मतलब समझ लो कि बहुत ही कम चांस है। तो यहाँ से मैं तीन ऑलराउंडर ले रहा हूँ भाई, और किसी को नहीं लूँगा मैं थोड़ा ज़्यादा स्पिनर्स के साथ में रहूँगा। तीनों स्पिनर ले रहा हूँ ऑलराउंडर। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार है, हैदराबाद का कप्तान है, लेकिन हाँ माकरम आ जाएगा तो माकरम भी कप्तानी कर सकता है, हाई चांस है। उमरान मलिक है, आवेश खान है, नटराजन है, मार्क वुड है, रवि बिश्नोई है, आदिल राशिद है, अफीफ हुसैन के खेलने के चांसेस कम है, जयदेव उनादकट खेल सकता है, फारूकी के खेलने के चांसेस लगभग कंफर्म है कि फारूकी खेलेगा, फारूकी का फॉर्म अभी बहुत अच्छा है। और कौन है? बस यही सब है। बात कर लेते हैं बॉलर में कौन कौन सा लेने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं लूँगा मार्क वुड को। क्या गजब की बॉलिंग कर रहा है, हर मैच में ही विकेट चटका रहा है। लास्ट मैच में इसी पिच पर तो चार विकेट चटकाए थे। तो मार्क वुड ज़बरदस्त रहने वाला है भाइयों। टी नटराजन को लेने वाला हूँ। टी नटराजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में। हैदराबाद के बॉलर बहुत शानदार है भाई, उमरान मलिक, नटराजन, फारूकी, इनका तोड़ नहीं है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालते हैं और तीनों के पास में अच्छी खासी पेस है, प्लस डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं। उमरान मलिक भले नहीं डाला था लास्ट मैच में, लेकिन फिर से इस मैच में नटराजन और फारूकी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने वाले हैं। नटराजन का कन्फर्म है कि आखिरी के दो ओवर डालने वाला, 17वां और 20वां, तो बिल्कुल आप नटराजन को लेके चलना इस मैच में। सिलेक्शन काफ़ी कम है लेकिन मैं लेने वाला हूँ।
और किसको लेने वाला हूँ तो रवि बिश्नोई को लेने वाला हूँ। इस पिच पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है, लेकिन हाँ भाइयों बिश्नोई के रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ज़्यादा अच्छे हैं, राइट हैंडर्स के खिलाफ थोड़े कम अच्छे हैं। चाहो तो आप बिश्नोई पे इस मैच में रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हैदराबाद की टीम में लेफ्ट हैंडर्स कम है और बिश्नोई डालता है सिर्फ गुगली गेंद, तो गुगली में राइट हैंडर नहीं फंसते हैं, लेफ्ट हैंडर फंसते हैं। लेकिन इस पिच पे स्पिनर्स को टर्न है इसलिए मैं ले रहा हूँ, और हो सकता है कि अपनी फाइनल टीम में ड्रॉप कर दूँ, हो सकता है कि मैं फाइनल टीम में आदिल राशिद को ले लूँ, क्योंकि आदिल राशिद लेफ्ट हैंडर्स को बहुत जल्दी आउट करता है। हमेशा मैंने देखा है आदिल राशिद ने लेफ्ट हैंडर्स को परेशान किया है और विकेट चटकाए हैं, तो लखनऊ की टीम में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा है। चलो चेंज कर लेते हैं, आदिल राशिद को ले लेते हैं, क्योंकि बिश्नोई का मेरे को पता है भाइयों गुगली बॉल पूरी पूरी गेंदे ही गुगली डालता है, लेग स्पिन डालता ही नहीं है जिसमें राइट ही फंसे, लेफ्ट ही कम है हैदराबाद में। तो यहाँ से आदिल राशिद को ले रहा हूँ, अभी आपके सामने एक्सचेंज कर दिया मैंने। और किसको लेने वाला हूँ तो भाइयों एक बॉलर और लेने वाला हूँ मैं, उमरान मलिक या फिर फजल हक फारूकी, इन दोनों में से किसी एक को लूँगा। हाई चांस है कि फारूकी को लूँगा, लेकिन हाँ उमरान मलिक के साथ भी जा सकता हूँ, अभी हाल फिलहाल के लिए फारूकी को ले रहा हूँ। तो भाई वो ड्रीम इलेवन की टीम बन गई है, ये ड्रीम इलेवन की टीम है। अब चलते हैं विजन इलेवन पे, विजन इलेवन की क्या टीम रहने वाली है। अब आ गए विजन इलेवन पे तो भाई विकेट कीपर में लखनऊ का विकेट कीपर लूंगा, अगर डिकॉक खेल गया तो डिकॉक को लूंगा, नहीं तो फिर पूरन को लूंगा, अभी हाल फिलहाल के लिए पूरन को ही ले रहा हूँ। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में वही राहुल अग्रवाल और दीपक हुडा, लेकिन मैंने आपको त्रिपाठी का बताया है, त्रिपाठी को मैं अग्रवाल या फिर अग्रवाल की जगह पे या फिर हुडा की जगह पे भी ले सकता हूँ, लेकिन हाई चांस है कि अग्रवाल को ही हटाऊंगा मैं अगर मेरा मन होगा त्रिपाठी को लेने का। तो भाई यहाँ से मैं तीन बल्लेबाज लूँगा। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, ऑलराउंडर्स में वही माकरम बहुत इंपॉर्टेंट है, माकरम को लूँगा, कुणाल पांड्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुणाल पांड्या को लूँगा, और वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन देखो विजन 11 पे ये फायदे 7% सिलेक्शन है, कोई भी नहीं लेगा, मैं लूँगा। तो तीन ऑलराउंडर लूँगा भाइयों मैं यहाँ से। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में मार्क वुड, डी नटराजन, ये दो बॉलर तो आपको किसी भी हालत में लेना ही लेना है। बिश्नोई को भी ट्राई कर सकते हो पिच पे स्पिनर्स को टर्न है, पर गुगली बॉल ज़्यादा डालता है, लेफ्ट हैंडर्स के विकेट जाते हैं, राइट हैंडर्स गुगली बॉल को आराम से खेलते हैं, और हैदराबाद की टीम में राइट हैंडर ज़्यादा है। बिश्नोई को आप ट्राई भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं ये लूँगा आदिल राशिद को, क्यों, क्योंकि लेफ्टी ज़्यादा है लखनऊ में, तो आदिल राशिद को लूँगा, और किसको, फजल हक फारूकी को, वही टीम बन रही है जो वहाँ पे बनी है। अब बात कर लेते हैं सी और बीसी की, कैप्टन बनाने वाला हूँ भाइयों मैं यहाँ से, कैप्टन बनाऊँगा मैं कुणाल पांड्या को, क्यों, क्योंकि राइटी हैं ज़्यादा, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करेगा। इस मैच में कुणाल पांड्या के मेरे तरफ से दो विकेट पक्के हैं, और 30 से 40 रन बना दे तो और अच्छी बात है, दो विकेट तो पक्के हैं। तो भाई ये मेरा कैप्टन है, वॉइस कैप्टन में आपको बनाने से पहले गिव अवे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, गिव अवे क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने आपसे जब से, आपने बोला सोच रहे होंगे यार कब पूछेगा ये। अब पूछूंगा मैं आपसे गिव अवे क्वेश्चन, तो जो आपको कैप्टन दिख रहा है ना मेरा कुणाल पांड्या, आपको बस उसी का बताना है, कुणाल पांड्या इस मैच में कितने विकेट लेने वाला है, कितने रन बनाने वाला है और कितने कैच पकड़ने वाला है, तीन चीज़ें बताना है आपको। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही दे देते हो तो भाइयों इस वीडियो में 99,999 रुपये का गिव अवे है, तीन मेंबर्स को मिलने वाला है प्राइस 33,333 तो गिव अवे क्वेश्चन का आंसर दे दो जो भी आपको लगता है, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, पता चल रहा है आपने आंसर दे दिया लेकिन आपने वीडियो को ही लाइक नहीं करा तो आपका गिव अवे कैंसिल, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लो और गिव अवे क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है भाइयों। तो कुणाल पांडे के बारे में आपको बताना है, 1,00,000 रुपये का गिव अवे है, 33,333 एक बंदा जीतेगा, तीन बंदों को मिलेगा 1,00,000 रुपये, ठीक है भाइयों। तो कैप्टन मेरा यहाँ से कुणाल पांड्या। अब बात कर लेते हैं वॉइस कैप्टन की, तो भैया वॉइस कैप्टन में बनाऊंगा वॉशिंगटन सुंदर को, कोई भी नहीं बनाएगा मैं बनाऊंगा, माकरम को आप चाहो तो बना सकते हो, माकरम भी इस मैच में लगभग कन्फर्म है कि बॉलिंग डालेगा, पर वॉशिंगटन सुंदर का पूरा कन्फर्म है कि बॉलिंग डालेगा। तो भैया ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है,
फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। लिंक वर्क नहीं करे तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाइयों। तो गिव अवे में का क्वेश्चन दे दो, आंसर दे दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। फाइनल जो गिव अवे विनर्स का अनाउंसमेंट है मैं वहीं करूँगा, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।